तो हेलो वेलकम दोस्तों, आप देख रहे थे शर्मा सपोर्ट यूट्यूब चैनल हो, मेरा नाम राम होता है। तो फ्रेंड जो आज के वीडियो में आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 से 6 मतलब कि यूट्यूब के अपडेट के बारे में। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये एकदम बिल्कुल उनकी न्यू अपडेट है जो कि यूट्यूब की तरफ से है। और इस मतलब कि अपडेट को जान लेना किसी भी यूट्यूबर के लिए, या आप मतलब कि नए यूट्यूबर हो या फिर यूट्यूब पे आना चाहते हो, या फिर 2020 में आप कोई यूट्यूब मतलब कि चैनल क्रिएट करना चाहते हो, या फिर पहले से आप मतलब कि पुराने यूट्यूबर, तो इसे मतलब कि अपडेट को जान लो। क्योंकि फ्रेंड ये जो अपडेट है हर एक यूट्यूबर्स के लिए, खास हमारे लिए भी, सबके लिए। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 से 6 जो न्यू अपडेट आए उसका मैंने एक लिस्ट मतलब कि तैयार किया हुआ है। और ये यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हो कि, और इसी लिस्ट के माध्यम से और इसी लिस्ट के द्वारा मैं देख के आपको सारे के सारे जो अपडेट है अच्छे से मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस अपडेट का क्या मतलब सेंस है, और पूरी विस्तृत तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फ्रेंड कि 1000 सब्सक्राइबर्स, उसके बाद 4000 हावर्स वॉच टाइम। तो इसको लेकर के बहुत से लोग मतलब कमेंट कर रहे थे कि क्या मतलब कि जो 1K सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का जो ये का है, तो ये बाउंडेशन है यूट्यूब पे कि ये ख़त्म होगा या फिर इसको इंक्रीज किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि मतलब कि जो यूट्यूब है उसने साफ साफ ये नोटिफिकेशन दे दिया है कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। और ये जो 1000 सब्सक्राइबर्स का प्लस 4000 घंटे का मतलब कि ये जो बाउंडेशन है और जो ये कहा जाए तो ये एक बाउंड्री है जिसको क्रॉस करने के बाद आपका मोनेटाइजेशन इनेबल होता है, तो वो सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड सेकेंड अपडेट का। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि आपको पता फ्रेंड कि जैसे कि बहुत से लोग परेशान रहते थे कि प्राइवेट जो वीडियो रहता है उसके वजह से अनलिस्टेड वीडियो रहती है, तो क्या उस चीज़ का वॉच टाइम मतलब कि ऐड होता है मतलब कि 4000 घंटे वाले वॉच टाइम में? तो उस चीज़ को लेकर के यूट्यूब भी उस पर वर्क कर रहा था। और फाइनली क्या हुआ फ्रेंड कि उस पर कुछ बग्स थे, और वो बग्स क्या हुआ फ्रेंड कि वो फिक्स हो चुके हैं। अब क्या होगा फ्रेंड कि वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और वहाँ पे जो आपके मतलब कि प्राइवेट और अनलिस्टेड वीडियो रहेंगे उसके वॉच टाइम जो होंगे ऐड नहीं होंगे, ओनली पब्लिक जो वीडियो होंगे उसी के वॉच टाइम वहाँ पे ऐड होंगे। अब थर्ड अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो आपको पता फ्रेंड कि जब मतलब कि हमारा जो चैनल होता है और उस पर 4000 घंटे का 1K सब्सक्राइबर्स का ये माइलस्टोन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद से हम अपने चैनल को अंडर रिव्यू में भेजते हैं। उसके बाद से हमारा जो मतलब कि चैनल होता है मोनेटाइजेशन उस पर ऑन होता है। तो अब क्या होगा फ्रेंड, जैसे ही आपके चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाता है, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो वैसे ही आपको यूट्यूब की तरफ से एक मतलब कि नोटिफिकेशन आएगा, एक मेल आएगा कि अब आप मतलब कि एलिजिबल हो गए हो मोनेटाइजेशन को इनेबल करने के लिए। उसके बाद से आप जाओगे मतलब कि और अपने मोनेटाइजेशन को इनेबल कर सकते हो। मतलब कि ये एक नोटिफिकेशन आएगा जो कि ये एक न्यू चीज़ है हर एक यूट्यूब क्रिएटर के लिए, यूट्यूबर के लिए। और नोटिफिकेशन आना बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमें पता चल जाएगा, हमें बार बार जाके वॉच टाइम कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार हमें मतलब कि सब्सक्राइबर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम वर्क करते रहेंगे बिंदास। बात करते हैं फिर चौथे अपडेट की। बता दूं फ्रेंड कि चौथा अपडेट काफ़ी दमदार अपडेट आने वाला है, जैसे कि स्ट्राइक। आपको पता है फ्रेंड, अगर मैं ही वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैच कर जाती हैं अगर अदर वाले जो चैनल्स के यूट्यूबर से या फिर यूट्यूब क्रिएटर से, तो हमें स्ट्राइक सेंड कर देता है। और कभी कभी कन्फ्यूजन में जो यूट्यूब है वो भी मतलब कि क्या करता था कि हमें स्ट्राइक को वो भेजता था, कॉपीराइट स्ट्राइक अगर कोई स्ट्राइक करता था दूसरे चैनल्स वाला। लेकिन अब क्या होगा फ्रेंड, अगर कोई स्ट्राइक करता किसी अदर चैनल को तो पहले जो यूट्यूब है वो वेरीफाई करेगा कि आखिर में किस चीज़ को लेकर के आप स्ट्राइक कर रहे हो अगले वाले चैनल को, तो अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही आपको स्ट्राइक करेगा, वरना वो स्ट्राइक नहीं करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि फ्रेंड ये अगर अपडेट नहीं आया था तो उसके पहले जो फेक चैनल्स वाले होते थे वो भी फालतू में स्ट्राइक करते थे। तो फ्रेंड ये अपडेट काफ़ी अच्छा हमारे लिए। तो फ्रेंड आप बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और जानते हैं कि ये कौन सा अपडेट है, एड क्यू। तो जैसे फिर आपको पता कि आपको मतलब कि जो यूट्यूब होता था, जो हम यूट्यूब मतलब कि चालू करते थे या फिर कंप्यूटर पे या फिर अपने मोबाइल पे, तो वहाँ पे क्या होता था फ्रेंड कि हमें एक प्लेलिस्ट या फिर जैसे कि हम अगर कोई स्टूडेंट है अगर वो डेली 4 से 5 वीडियो देखता है, पसंद करता है देखना,
तो वहाँ पे अब क्या होगा फ्रेंड, उन्हें एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड क्यू का, वहाँ पे जाके आप अगर चार पांच वीडियो देखते हो तो चार पांच वीडियो को ऐड क्यू में जाके आप ऐड कर लोगे, और आप अगर एक वीडियो प्ले कर लेते हो तो आपको चारों पांचों वीडियो इजीली मतलब कि प्ले होता जाएगा और आप चारों पांचों वीडियो कंटिन्यू देख सकते हो। और जैसे फिर आप मतलब डेस्कटॉप मोड को मतलब कि बंद करोगे, ब्राउजर को क्लोज करोगे, वैसे ही वो सारी चीज़ें वहाँ पर क्लोज हो जाएंगी। और फिर नेक्स्ट दिन अगर आप ऐसा करना चाहते हो फिर आप ऐड क्यू में जाके ऐड करके चारों पांचों वीडियो जो होगी कंटिन्यू आप वॉच कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से जो डेली चार पांच वीडियो वॉच करते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेटर रहेगा, या फिर जो मतलब कि डेली चार पांच सॉन्ग सुनते हैं पीसी पे या फिर अपने मोबाइल पे, तो उनके लिए काफ़ी बेटर है। अब बढ़ते फिर नेक्स्ट अपडेट कौन सा मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट अपडेट है फिर ये बहुत ही अच्छा अपडेट रहना, तो इस अपडेट को आप ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि फिर मैं आपको बता दूं कि सब्सक्राइब को लेकर के, सब्सक्राइब वाले बटन को लेकर के, इसके पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ था, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि अब क्या होगा कि जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिखता है रेड कलर में, तो वो अब आपको क्लीन यानी कि अब और भी अच्छे से आपको वहाँ पे शो होगा और अच्छे से मतलब कि वहाँ पे दिखाई देगा, तो काफ़ी अच्छा होगा और हम अच्छे से वहाँ पे वर्क भी करेंगे और जो हमारे व्यूअर्स होंगे और सब्सक्राइबर्स होंगे बहुत ईजिली वहाँ पे उस चीज़ को देख लेंगे। वैसे भी दिखता तो था लेकिन तो अब उस पर और भी यूट्यूब ने काम किया है और उसको और भी साफ सुथरा कर दिया है। तो फिर ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो कि यूट्यूब की तरफ से था, तो फिर आशा कि मेरे द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मिलते फिर अगले वीडियो में।